बात करते हैं रीवा के, जहां नगरीय निकाय चुनाव 13 जुलाई को होने वाले हैं और इसी को मद्देनजर अलग अलग पार्टियों के नेता जनता को लुभाने के लिए अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में शिवसेना जिला इकाई रीवा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इस दौरान शिवसेना के महापौर प्रत्याशी श्री कृष्ण गुप्त ने जनहित के मुद्दों को लेकर अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है। आइए आपको सुनाते हैं महापौर प्रत्याशी ने क्या कहा है। आज मैं रीवा नगर निगम 13 जुलाई जो महापौरी और पार्षद चुनाव हो रहा है, शिवसेना पार्टी 6-7 वर्षों से आम जनता के बीच में संघर्ष कर रही है। जनता के हितों के लिए आंदोलन प्रदर्शन में लगातार जनता के साथ थी। उसी जनता के न्यायालय में 13 जुलाई को होने वाले मतदान में महापौर प्रत्याशी के रूप में मैं श्री कृष्ण गुप्त बोके शिवसेना जिला प्रमुख रीवा जनता के समक्ष जा रहा हूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहा हूं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज राजनीति का नाम होता है नेतृत्व। नेतृत्व बहुत सफल माना जाता है जो सभी को लेकर चले। जब से मैंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन की है, मैं कभी भी आज तक समाज का नाम नहीं लिया। आप लोगों ने कभी भी हमें समाज के साथ इस तरह लोगों को मैं ले भी चलने या फिर उनको यूज़ करने या दिखाने के लिए कि मेरे साथ समाज की भीड़ है। भाई, समाज की भीड़ हर व्यक्ति के साथ होती है, मेरे साथ भी होगी निश्चित, नो डाउट। लेकिन राजनीति यदि की जाती है तो समाज को लेके नहीं की जाती है। समाज का अहम योगदान, हाँ बिल्कुल, मैंने समाज को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, हर दल उठती है, क्यों उठती है? हर समाज में समाजी संगठन होते हैं। ऐसा कोई भी समाज नहीं है आज वर्तमान टाइम में, आप सिपा नहीं है, जिस समाज में समाजी संगठन नहीं है। हर समाजी संगठन अपने समाज हित के लिए संघर्ष करता है, तो वैश्य समाज में भी है, वो भी अपना संगठन के लिए अपने समाज के लिए संघर्ष बताया। हमने जिसकी 6-7 वर्षों से शिवसेना के रूप में काम कर रहा हूँ, जनता मुझे जानती है, विश्वास भी कर रही है और जहाँ जहाँ जाता हूँ तो हर व्यक्ति ये बोलता है, हाँ भैया हम अपना का पेपर में देखे हैं, अपना जो हमारा जनहित के मुद्दों को आपने कई बार आपने उठाया है, संघर्ष भी किया। और वर्तमान टाइम पे पहली बार रीवा जिले के इतिहास में, रीवा नगर निगम के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमने आम जनता के हितों को देखते हुए मनन करते हुए एक घोषणा पत्र मैंने बनवाया है, जो हमारे पंपलेट में पीछे तरफ घोषणा पत्र छपा हुआ है। आज तक किसी भी पार्टी ने, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, आम आदमी तो अभी आई है, किसी ने भी अपना घोषणा पत्र आज तक नहीं आम जनता के बीच पेश किया था। लेकिन मुझे इस बात का फख्र है, इस बात की खुशी है, मेरा देखा देखी आप लोगों ने देखा होगा, कांग्रेस ने इस बार, बीजेपी ने, आप लोगों का पार्टी वगैरह ने भी अपना घोषणा पत्र भजन पत्र जारी किया। खुशी है, मैं जीतूँ हारे चुनाव बात की बात है, लेकिन कम से कम आम जनता की हितों के लिए मैंने आवाज़ बुलंद करने में सफलता मुझे मिली, इस बात मुझे अपने आप में फख्र है और मैं हमेशा जनता के बीच में इस पर कार्यरत रहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास भी है, जिस तरह से मुझे जन समर्थन मिल रहा है, ये चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी श्री भी हासिल करूँगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एक ही जगह आपकी सरकार की भारत भूखा पटक मची हुई है, उसका कितना असर आपको जिलों में दिखाई देगा? नो डाउट, हर घटनाक्रम का असर तो खैर दिखता है, इसमें स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, असर तो है, आम जनता प्रश्न पूछती, सही बात है। लेकिन उनको मैं जब मैं